हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कॉलम में हनीकॉम्ब क्यों बनता है, हनीकॉम्ब कॉलम में कैसे डिफेक्ट है। कंक्रीट के बीच में कुछ वॉइड्स रह जाते हैं, कुछ गैप रह जाता है, इस गैप को ही हम हनीकॉम्ब कहते हैं। इसकी वजह से कभी कभी हमारा रेनफोर्समेंट सरिया जो है वो दिखाई देने लगता है, और हम आपको बताएंगे इसे हनीकॉम्ब क्यों कहते हैं। हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छाते को कहते हैं, इसीलिए इसको हनीकॉम्ब का नाम दिया गया है। हमें कॉलम में अच्छी तरह से वाइब्रेटर मारना चाहिए, कम से कम 10 फीट के कॉलम में 2 बार हमारा वाइब्रेटर लगना ज़रूरी है। यह एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है, यह मार्केट में 250-250 रुपये का मिल जाता है। चाइनीज़ वाइब्रेटर है, इसका यूज़ ज़रूरी होता है।